अपने दुश्मनों की बोलती बंद करना तो कोई पवन सिंह से सीखे। जी हाँ, उन्हें बराबर पता है कि उन्हें कौन सी चाल कब खेलनी है और किससे किसको मात देनी है। यही तो होती है सच्चे खिलाड़ी की निशानी। तो चलिए हम आपको बता दें कि पवन सिंह ने ऐसा क्या कारनामा कर दिया है जिससे हम उनके तारीफ के कसीदे पढ़ रहे हैं। हम आपको बता दें कि पवन सिंह की एक एल्बम आई है जो कि ऑडियो एल्बम है। उस एल्बम का नाम है सिजिया की एज भेद। उस एल्बम ने मात्र 7 घंटे में YouTube पे 1 मिलियन व्यूज क्रॉस किया है, यानी कि 8 घंटे में उस गाने को 10 लाख लोगों ने सुना है। अब आपको बता दें कि खेसारी लाल यादव और अक्षरा सिंह का जो आइटम सॉन्ग आया था उसे 7 घंटे में 10 लाख लोगों ने देखा था। ये आइटम सॉन्ग बकायदा पिक्चराइज आइटम सॉन्ग था और जिसकी पब्लिसिटी काफ़ी दिनों से। ये बात और है कि खेसारी और अक्षरा के गाने ने आते ही धूम मचा दी। इन सब चीज़ों में पवन सिंह इन दोनों से कहीं ज़्यादा आगे निकलते नजर आ रहे हैं। पवन सिंह का ये मात्र ऑडियो एल्बम है जिसे 10 लाख लोगों ने 8 घंटे में सुना है। इसे कहते हैं कि ईंट का जवाब पत्थर से देना। पवन सिंह ज़्यादातर कंट्रोवर्सी में अपने आप को शांत कर कर ही अपने काम के हिसाब से लोगों को जवाब देते हैं। इसे कहते हैं ट्रूली प्रोफेशनल बंदा। भोजपुरी जगत की हॉट और मसालेदार गॉसिप के लिए हमें सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलिए।